नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारालाल। अभी मैं गाजीपुर जनपद के बाढ़ ग्रसित एरिया करंडा क्षेत्र के शिवपूजन बाबा का मंदिर है उसी जगह पे हूँ, जो कि बगल में तुलसीपुर, शेरपुर और इधर जो है बढ़हरिया गांव, चारों तरफ से पानी जल से घिरा हुआ यह गांव है और उसी बीच में मैं हूँ। तो आया था यहाँ पे, रिपोर्टिंग कर रहा था, पिछले वीडियो में देखा आप लोगों ने कि सड़क पर पानी किस तरह से बह रहा, बहुत काफ़ी तेज। अब इससे आगे हम लोग जा नहीं सकते हैं क्योंकि डर बना हुआ है। और इसी में जो है कुछ महिलाएं हैं जो कि इधर ये घर जो कि आप लोग देख रहे हैं उस घर से कमर इतना पानी में जो है अपनी जान को जोखिम में डालते हुए अपनी बात कहने के लिए जो है हम लोग के बीच आई हैं। और इधर से जो है नाव एक आई, तो नाव वाले भैया के नाव में झंडा जब दिखा तो यहाँ के लोग बता रहे थे कि तहसीलदार साहब आए हैं और कहे हैं कि तिरंगा जब लगा रहेगा तो समझ लीजिएगा कि वो गवर्नमेंट की तरफ से नाव मुहैया कराई गई है। और हम नाव वाले भैया से बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि नाव के किस तरह से जो है, नाव किस आधार पर जो है चला रहे हैं और इनकी क्या स्थिति है, क्योंकि सबसे पहला इनका जो है दायित्व है और ये जो अपनी जान जोखिम में डाल के दूसरों की ज़िंदगी बचा रहे हैं और नाव से दिन भर पूरा जो है घूम के बचाएंगे, जब तक बाढ़ का पानी रहेगा तब तक लोगों को बचाने का काम करेंगे। सर स्वागत है, क्या नाम है आपका? पंकज। थोड़ा सा आगे आ जाइए पंकज जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? महाबलपुर का। अच्छा, महाबलपुर से। तो आपका नाव किस कैसे जो है आपका इसमें लगाया गया गवर्नमेंट की तरफ से, किस आधार पे? प्रधान जी लखपाल लगाए हैं। अच्छा, प्रधान जी बोले हैं, लखपाल साहब बोले हैं। जी जी। पिछले साल भी आप जो है चलाए थे? जी जी, हर अच्छा? साल चलाते हैं। तो पिछला भुगतान कुछ लोगों का कहना है कि नहीं हुआ है, आपका क्या है? हुआ है कुछ। अच्छा, और इस साल अभी जो है बोला गया चलाने के लिए ना? जी। पिछले साल तो कई लोग कर रहे हैं कि नहीं, ना हम लोग भी चलाए थे, उनका भुगतान नहीं हुआ है। तो कोई होगा नहीं होता है। अच्छा, कुछ लोगों का होता है, कुछ लोगों का नहीं होता है। अच्छा, ये इसको डोंगी बोलते हैं ना? जी जी। तो आपका स्पेशल रूप से कहीं के लिए लगाया गया है या फिर पूरा एरिया को देखना है? स्पेशल नहीं है, प्रधान जी नखपाल कहें कि पूजा में बात कर रहे हैं, थोड़ा ये दो चार घर है मैनेज करना उसमें। अच्छा, बस यही मतलब, इतना ही दो तीन घर देखना है आपको और तीसरा इधर कोई अगर चिल्लाएगा तो उससे मतलब जाएंगे नहीं इसमें क्रॉस करेगी। अच्छा, ये सड़क पर से मतलब नहीं जा पाएगी ना? नहीं जाए। अच्छा, मान लेते हैं आप शिवपूजन बाबा के पास हैं और यहाँ पे कोई आपको बुलाएगा कि नहीं जल्दी आइए, हमें तबीयत खराब है लेकर जाना है, तो फिर कैसे आप? नंबर है ना? अच्छा, नंबर दिए हैं? मोबाइल है ना? अच्छा, उस पर लोग बात कर लेंगे। हाँ जी। अच्छा अच्छा, और डीजल से चालू कर रहे हैं या फिर ऐसे? खेगा डीजल नहीं मिलता है। डीजल नहीं मिलता है? अच्छा, कितना मिलता है आपको? ये तो पता नहीं है, ये पता नहीं है। देखिए, डीजल ये लगाए हैं कि किसी के आम बहुत जल्दी से कवर करेंगे और शिवपूजन बाबा के मठ पर जो है लगभग 10 से 15 20 लोग होंगे या फिर जितने लोग इधर फंसे हुए हैं, तो डीजल इन्होंने लगा के रखे हैं अपने डोंगी में कि अगर कहीं जाना होगा, मान लेते हैं यहाँ से शिवपूजन बाबा के मठ पर जाना होगा तो डीजल से अगर चालू करके जाएंगे तो लगभग कितना समय लगेगा? 5 मिनट लग ही जाएगा। 5 मिनट, और ऐसे खे कर जाएंगे हाथ से तो 20 मिनट। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कोई डूब रहा होगा तो किस हिसाब से जाएंगे और कैसे बचाएंगे, क्योंकि इनकी डीजल जो है टंकी में डीजल है या नहीं, एकदम खाली है। तो अब समझ लीजिए कि व्यवस्था इस तरह से है कि अपने मेहनत से जो है लोगों को बचाइए और उसका भुगतान होगा काम होने के बाद, वो भी पता नहीं होगा कि नहीं होगा, आगे हम फिर भविष्य में बात करेंगे। और कुछ महिलाएं जो कि हम लोगों को देखकर यहाँ पे आई और जो है इस नाव को सड़क के इस पार देखी और इनकी ज़रूरत थी, लेकिन ये जो है इधर नहीं आए, आ रहे हैं आपके पास भी आ रहे हैं। सर माता जी, नाव देख के अलू है कि नाव के बोलू है लोग ना अलग है उसमें से? नहीं भैया, हमने का देखा ना कल जा है जो देखा लिए जा तुम लोगन के तब आई लिए ना। अच्छा। ना रहल हिया तो ना एकदम अभी ना कहले अभी तक तो नहीं हमने का नहीं खे आई ना भैया। तो अब देख लीजिए कमर भर पानी में जो है निकल के आ रही हैं और अपनी बातों को रखने के लिए कि हम लोग कितना दिक्कत है और नाव जो है इस पार से इस पार नहीं आ पाएगी तो दिक्कत है, यानी कि आप सब कहता ना हमने का चिची आई जे ना लोग सुनी तब तो हमने का कैसे बुलावल जी भैया अब भैया रहत तो हमने का पजर न रह। भैया वाला भैया का नंबर पहले मोबाइल नंबर ले ला, अगर जरूरत पड़ी अचानक तो बुला लिया। भैया इनके नंबर दे दा अपन पहले माता जी के। प्रधान जी के नंबर है कि ना? नहीं खे हमने का पाला है। प्रधानो जी के नंबर ना तो बढ़िया में बह जेबू लोग, पहले मतलब घर छोड़ के जा लो। हमने के नंबर नहीं खे भैया प्रधान जी का। तब का करें भैया, बताओ बड़ी स्थिति बाप, कौन अब कौन इनके खातिर उपाय को? अब इसका तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ, उपाय का मतलब यही है कि पहले तो भाई स्कूल पे
चला जाए धीरे धीरे, लेकिन जाने से पहले नाव की तो ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो नाव अगर आ जाता है तो भाई धीरे धीरे अपना स्कूल पे जाके मैनेज किया जाएगा, वहाँ पे जो भी सुविधाएं होंगी सरकार के हिसाब से वो सारी सुविधाएं। अच्छा चलिए, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि आप ही इनके पड़ोसी लग रहे हैं और कुछ दूर है आपके घर से, इनके घर से दूरी भी है काफ़ी, लेकिन अब इनके पास प्रधान का नंबर नहीं है और ना ही किसी का नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर। अच्छा ग्राम सभा दोनों लोग का अलग है? नहीं नहीं, एक ही है ग्राम सभा हम लोग का, एक ही है, ये और ये सब एक ही ग्राम सभा में। मतलब इधर का जो क्षेत्र है हम लोग का, ये पूरा ग्राम सच्चा, अगर तुलसीपुर आप लेंगे वो भी ग्राम सभा हम यही है, दीनापुर का। चलिए आप थोड़ा सा इन लोग के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान, अरे हम लोग गांव के एक दूसरे के लिए हैं, ऐसी बात नहीं है, जरूरत पड़ेगी रात में भी भाग के जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि नंबर नहीं ना है इनके पास। हाँ नंबर, सबसे बड़ी बात देखिए नंबर ना होने का कारण है कि भाई ये लोग महिलाएं हैं, महिलाओं को क्या पता चलेगा। देखिए इनका क्या, इनकी बेटियां हैं, इनके मतलब कोई लड़का इनका नहीं है, इनके दो लड़के हैं वो चले गए हैं बाहर, इनके पास वही दो बेटियां हैं और एक इनके जो आदमी हैं वो भी बुजुर्ग हैं, थोड़ा इन लोगों को काफ़ी दिक्कतें हैं। आ दिक्कतों के साथ सभी के घर में, सभी के घरों में दिक्कत तो है ही है। देखिए अभी नाव आ रही है, उस नाव से आप लोग जाइएगा उस पार अपने घर पे और उनका शेरपुर खातिन आप ही के लिए नाव है, और उनका नंबर ले लीजिए मोबाइल नंबर, और जब जरूरत हो उनको फोन करिए। अगर नहीं सुन रहे हैं तो हम अपना नंबर दे रहे हैं, कोई दिक्कत होगी तो आप फोन करके जरूर बताइएगा। कभी भी एनी टाइम रात को 12 बजे भी जरूरत पड़ेगी आप फोन करिएगा, हम नहीं तो प्रधान नहीं प्रशासन को पूरा यहाँ पे लाके खड़ा कर देंगे, ठीक है। लेकिन अभी उनका नंबर ले लीजिए आप, जब भी जरूरत हो तुरंत उनको फोन कर बुलाइए, और उनको आना पड़ेगा, नहीं आएंगे तो फिर हमसे बताइएगा, हम अपना नंबर दे रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी समस्या है, हम इन लोग को बताए भी, और देखे पानी पूरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अभी जो है सड़क पर काफी तेज पानी हो गया, अभी हम लोग खड़े खड़े में जो है मात्र लगभग 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर पानी बढ़ गया है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इस साल बाढ़ की जो स्थिति है वो देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि पिछला जो भी रिकॉर्ड था वो सब रिकॉर्ड टूट जाएगा, क्योंकि इस साल बाढ़ का पानी अभी भी लगातार बढ़ रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। देखिए दोस्तों अभी जो है माता जी लोग पानी कमर में, इतना पानी में प्रवेश करके हम लोग से अपनी बातों को कहने के लिए आई थी, लेकिन जब आपने बातों को रख ली तो फिर इन लोगों के लिए मैं नाव बुलाया और नाव देख के नाव वाले भैया भी आए और उस नाव पर जो है फिर बैठ के अपने उस घर पे भी जा रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहेंगे नाव वाले भैया को जो कि आए और फिर इनको लेकर जा रहे हैं। अभी आप लोग वीडियो में देखे होंगे कमर इतना पानी में ओल कर जो है धीरे धीरे हमारे पास आई थी अपनी बातों को कहने के लिए कि क्या इनको दिक्कत है, और कहने के बाद फिर नाव भैया आए और उनको फिर लेकर जा रहे हैं उनके घर छोड़ने के लिए।